बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूं आपको कासिम टेक एंड अर्न में। जी दोस्तों, बहुत से लोगों को अपनी वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, जिसकी वजह से लोग बहुत से यूट्यूबर्स को मैंने कहते हैं देखा है कि वो उन्हें कहते हैं कि आप अपनी वीडियो से ऑडियो रिमूव कर लें या फिर अपनी वीडियो को डिस्प्यूट कर लें। अगर आपका कंटेंट अपना ही है तो फिर अपनी वीडियो को डिस्प्यूट करें या फिर अपनी वीडियो से ऑडियो रिमूव कर लें। ठीक है दोस्तों, अब मेरे एक सवाल का जवाब दें। अब जो ऑडियो आपने लगाई है वो आपने अपनी मर्जी की लगाई है, जब आप अपनी मर्जी की ऑडियो को रिमूव कर देंगे तो फिर आपका वीडियो में जान डालने का क्या फायदा होगा। ठीक है, फिर तो वीडियो आपके लिए बेसुध हो जाएगी। तो अब जो वीडियो ऑडियो आपने लगाई है, आप उसी ऑडियो को अब आप कहते आप चाह रहे हैं कि वही ऑडियो मेरी रे हो, कॉपीराइट क्लेम भी खत्म हो जाए और मैं अर्निंग भी कर सकूं। तो ये तरीकेकार आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो आपकी अर्निंग नहीं होगी उस वीडियो से, क्योंकि वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। वो जिसका भी कंटेंट होगा, जो भी आपकी ऑडियो भी अगर क्लेम आया, वीडियो भी आया या पिक्चर्स भी आया, तो वो उसकी अर्निंग उसी को ही होगी जो उसका ओनर होगा। जी दोस्तों, अमूमन ऑडियो पे क्लेम बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो ऑडियो के हवाले से आज बात करेंगे दोस्तों। ऑडियो में क्लेम आना कोई वो अनोखी बात नहीं है, बहुत आम बात है, क्योंकि बहुत से लोगों को कंटेंट चाहिए होता है, इंटरनेट से डाउनलोड कर देते हैं और उसके बाद अपनी वीडियोस पे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्लेम आ जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं, अगर क्लेम भी आ जाए आपने अपनी कोशिश और मेहनत जारी रखनी है, क्योंकि ये जो क्लेम है ये स्ट्राइक नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्लेम है, जिसके बाद बस यूट्यूब आपको ये कहता है कि ये कंटेंट आपका नहीं है, ये किसी और का है, तो ज्यादा इससे आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब जो तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा उसको आपने फॉलो करना, मैं आपको स्क्रीन के सामने बकायदा दिखाऊंगा भी कि एक मेरी वीडियो है जिसमें कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है और एक वीडियो, वो ही वीडियो है ठीक है, उसमें भी ऑडियो लगाई है मैंने, दूसरी में भी ऑडियो लगाई है, लेकिन दूसरी में कॉपीराइट क्लेम नहीं लिखा हुआ, दोनों पब्लिक है, दोनों पब्लिश हैं, एक में कॉपीराइट क्लेम है, एक में कॉपीराइट क्लेम नहीं है। अब वो दूसरी में कॉपीराइट क्लेम किस तरह नहीं है ये मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के सामने। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन की तरफ जाने से पहले एक बात मैं आपको याद करना चाहता था कि दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है ठीक है, तो लाइक लाजमी कर दे, लाइक आपने लाजमी करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना आपने, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके सब्सक्राइब करने से। चलते हैं स्क्रीन। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मैं आप एक चैनल पे लेके आऊँ जो कि बिल्कुल न्यू चैनल है, जिसमें मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं ठीक है। दोस्तों इससे सबसे पहले वीडियो में देखें ठीक है, सबसे नीचे पहली वीडियो में लिखा हुआ है कॉपी राइट क्लेम ठीक है। हालांकि सारी मेरी वीडियोज़ पब्लिक है, लेकिन एक वीडियो पर लिखा कॉपी राइट क्लेम, फिर उसके ऊपर एक वीडियो पर देखें जिसके ऊपर लिखा हुआ है नन ठीक है। ये पहली में देखें कि कॉपी राइट क्लेम लिखा है, और दूसरी ये पहले के कॉपीराइट क्लेम में दोस्तों वो कह रहा है कि ये बस कॉपीराइट क्लेम ही है ठीक है, इससे जो अर्निंग होगी वो आपकी नहीं होगी ठीक है, इससे जो भी अर्निंग होगी जो इसका ओनर है वो उसके पास ही जाएगी, बाकी स्ट्राइक नहीं है, आप बेफिक्र हैं, ये बात बता रहा है। इसको छोड़ें, आप आगे ऊपर देखें, ऊपर नन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आया। अब दोस्तों देखें, बात यहाँ गौर करें कि दोनों वीडियोस के टाइम एक इतनी इतनी है, 30-30 सेकंड की दोनों वीडियोस हैं और दोनों में ऑडियो लगा हुआ है ठीक है, दोनों में ऑडियो लगा है, लेकिन पहली वाली वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया और दूसरी वाली वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आया। अब दूसरी वाली वीडियो में भी ऑडियो लगा लेकिन उसमें कॉपीराइट क्लेम क्यों नहीं आया, ये आप देखते हैं, हम स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मैंने। तो इसके लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ दोस्तों और चेक करते हैं कैसे। ये दोस्तों आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाती हैं एक स्पेसिफिक ऑडियो को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट से, तो जब भी कोई ऑडियो डाउनलोड करें आप उस ऑडियो की डिटेल्स को ओपन करें। अगर उस ऑडियो की डिटेल्स ओपन होने के बाद अगर आपके पास एल्बम और सिंगर उस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, जैसा कि इसमें उस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है www.natkana.com, तो ये ऑडियो आपने अपनी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लगानी ठीक है। अब इसके अलावा मैंने एक और ऑडियो डाउनलोड की थी ठीक है, वो भी मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड की थी, और उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो फिर आपको मैं बताता हूँ कि उस ऑडियो को हम लगा सकते हैं कि नहीं। जी दोस्तों ये वाली ऑडियो देखें ठीक है, इसकी डिटेल्स ओपन करता हूँ, ये भी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। अब देखें इसके सिंगर में और एल्बम में देखें, दोनों में अननोन आर्टिस्ट लिखा है। अब इस ऑडियो को अगर हम उधर लगाएंगे ना अपनी वीडियोस में, तो हमें कॉपीराइट क्लेम कभी भी नहीं आएगा, कभी सूरत में नहीं आएगा ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों ऑडियोज़ को अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में लगा कर देखा है, वो जिसमें सिंगर वो natkana.com था उसमें मुझे क्लेम आया, और जिसमें अननोन आर्टिस्ट था जिसकी डिटेल्स में उसमें मुझे क्लेम नहीं आया। तो दोस्तों इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत सर्च करनी पड़ेगी इंटरनेट से, बहुत सी ऑडियोज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी, और फिर चेक करना पड़ेगा किसमें सिंगर का आर्टिस्ट अननोन और किसमें वेबसाइट का नेम है। तो दोस्तों यही था, इसी को आपने लाजमी देखना, फिर आपको क्लेम नहीं आएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह।